ईद के दिन मुझे छुट्टी मिली तो देर न करते हुए जल्दी से प्लान शॉपिंग के लिए चल दिए। दिसंबर के महीने लास्ट विजिट किए थे, फिर से 5 महीने बाद पौधा लेने चले। छोटी सी प्लांट शॉपिंग हॉल है तो फ्रेंड्स चलिए दिखाते हैं हमारे यहाँ के प्लांट नर्सरी। देखिए यहाँ पर है एलोकेशिया और कुछ सकुलेंट्स। कई स्पीसीज के सकुलेंट्स है, कैक्टस है, कैक्टस पर फूल भी खिले हैं, सबके नाम तो पता नहीं। चलिए अब दिखाते हैं क्रिसमस कैक्टस। पिंक और वाइट कॉमन कलर है, लेकिन मैंने लाल रंग के क्रिसमस कैक्टस तो कभी नहीं देखे और इनके प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर बनाना स्ट्रिंग्स भी है। यहाँ पर देखिए ये एक लाल रंग के नए किस्म के एंथोरियम है, बहुत ही हाई प्राइस। ये देखिए मरांटा, और यहाँ पर है कई तरह के सिंगोनियम, वाइट सिंगोनियम और पिंक सिंगोनियम, और भी है दूसरा तीसरा। यहाँ पर देखिए ये पिंक सिंगोनियम, इनके पत्ते बहुत ही थिन होते हैं, पतले से होते हैं। और ये है पीस लिली, और कई तरह के एग्जॉटिक प्लांट्स भी मुझे दिखाई दिए, तो आप खुद ही देख लीजिए। नर्सरी पे बहुत सारे कई किस्म के पौधे हैं। यहाँ पर ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये है पोल्का डॉट लीव्स, 100 रुपीज मांग रहे थे पर ये हमारे यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है। इस बीच अगर मैं जाऊँगी तो वीडियो फुटेज ज़रूर दिखाऊँगी। सब पौधों के नाम बोलना तो मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। ये देखिए यहाँ पर है जिनिया, मॉनसून के फ्लावर्स हैं। बहुत सारे जिनिया के पौधे हैं पर मैंने नहीं खरीदे। और यहाँ पर कुछ गेंदे के पौधे भी दिखाई दे रहा है। ये मई जून में गेंदा खिलना बहुत ही मुश्किल होता है। हर एक नर्सरी पे आपको सिर्फ और सिर्फ सकुलेंट्स मिलेंगे, अलग अलग स्पीसीज के। मुझे परमानेंट फ्लावरिंग पौधों की खोज है, अभी अपने बागीचे पे पेरिनियल फ्लावर्स लगाना चाहती हूँ। तो फिर से देखिए एलोकेशिया, यहाँ पर देखिए एलोकेशिया दिखाई दे रहा है। छोटी वाली 300 और बड़ी वाली 450 INR मांग रहे थे। ये सभी नर्सरी पे आया हुआ है थाई वेराइटी एंथोरियम। मालूम है कितना मांग रहे हैं, 1000 INR मांग रहे हैं, और थोड़ी भी बार्गेनिंग नहीं चलेगी। मुझे करना भी नहीं आता, बस पौधा देखिए कितने खूबसूरत है। तो दोस्तों मेरे बागीचे पे और मेरे चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दिखाते हैं क्या क्या लाए हैं। पहला शॉपिंग है ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन, हिंदी में शकरगंदी बोला जाता है और बंगाली में रांगा आलू। जो भी हो, इस पौधे की बहुत दिन से ख्वाहिश थी, सभी के बागीचे पे इनको लगाते हुए देखे हैं, हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं लोग इसे। इन दोनों को 50 रुपीज ईच खरीदे हैं। हालांकि ये बल्ब से उग जाते हैं पर मैंने कोशिश नहीं की, इनको बेल जैसे चढ़ा दूंगी और हैंगिंग भी लगाऊंगी। जिस दिन रिपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो, तो जरूर देखिए फ्रेंड्स। कुछ कुछ कॉमन प्लांट्स मेरे बागीचे पे नहीं है, जैसे डिफेनबेकिया, स्नेक प्लांट, कुंद पौधा, प्लूमेरिया। देखिए मुझे प्लूमेरिया के एक स्टेम मिल गए तो मैं इसे जल्द लगा डालूंगी। प्लूमेरिया स्टेम कटिंग से इजी चल जाता है। कई सारे रंगों के प्लूमेरिया मिलते हैं, सफेद, येल्लो, लाल, और अभी तो मरून कलर के प्लूमेरिया भी मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाए हैं हाइब्रिड विंका। मेरे पास बहुत सारे विंका के पौधे हैं लेकिन ये कलर वैरायटी मेरे पास नहीं है। मैं हाइब्रिड विंका मैंने लाए हैं 50 रुपये में, और ये मैंने लाए हैं मरांटा। मरांटा में मैंने छोटे से पॉट में लेके आई हूँ और इनको 150 रुपये में दिए हैं मुझे। गुड़हल के पौधे, मैंने 2 गुड़हल के पौधे लाए हैं 70 रुपीज ईच, और 150 रुपये में बहुत बड़े बड़े गुड़हल के पौधे मिल रहे थे। हालांकि मेरे पास लाल रंग के गुड़हल है, फिर भी मैंने ये पौधा लेके आए क्योंकि इसमें मैंने देखे हैं छोटे से पौधे लेकिन बहुत सारे कलियां खिल रहे हैं। तो नर्सरी वालों ने बताया कि छोटे से पौधे में बहुत सारे फूल खिलेंगे
और मैंने लाए हैं ये पोथोस। मेरे पास बहुत सारे पोथोस के पॉट्स हैं, करीबन 100 तो होंगे ही। वो एंजॉय पोथोस हैं और ये है मार्बल क्वीन पोथोस। प्लांट शॉपिंग के साथ साथ मैंने कुछ पॉट्स भी खरीदे हैं, चलिए दिखाते हैं। ये पॉट्स जहाँ मिलते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सपोर्ट होता है, बहुत ही चीप और सस्ता, टिकाऊ भी है। 10 इंच के पॉट्स मैंने बहुत सारे लाए हैं, ये 10 इंच के पॉट्स हैं, ₹25 ईच। और मैंने 6 इंच के पॉट्स भी लाए हैं, तो 6 इंच के पॉट्स हैं ₹15 ईच। वैसे तो छत पर 1000 पॉट्स हैं मेरे, इससे ज़्यादा और इंक्रीज़ नहीं करना चाहती मैं, मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है दिन ब दिन। लेकिन कुछ पॉट्स टूट गए हैं आंधी में और कुछ कुछ प्लास्टिक के गमले से टेराकोटा पॉट्स में भी लगाना है, तो प्लास्टिक के पॉट्स में कुछ पौधे नहीं चलते, तो मैं उन्हें शिफ्ट करूँगी। और आहिस्ता आहिस्ता पौधे बड़े जब होते हैं तो गमले के साइज भी इंक्रीज करना पड़ता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट पौधा है फूलों की रानी गुलाब। एक गुलाब का पौधा खरीदे हैं ₹100। पीले रंग के फूल खिले थे पर वो ट्रांसपोर्ट के वक्त टूट गए, कोई बात नहीं, फिर से फूल खिल जाएंगे। इन सब की रिपोर्टिंग दिखाऊंगी, बस आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन क्लिक कीजिए ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। तो दोस्तों ये थी छोटी सी शॉपिंग हॉल, कैसी लगी जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड, बाय बाय।